एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं MMTC एज इन मेटल्स एंड मिनरल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन। तो ये स्टॉक भी बहुत सही चल रहा है और नियर ब्रेकआउट है अपने, तो क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप नोटिस कर रहे होगे कि स्टॉक में आप पैटर्न बनते हुए देख रहे हो, यहाँ पे एक ये राउंडिंग बॉटम सा पैटर्न बन रहा है और ये कंप्लीट होते ही आप देखोगे तो स्टॉक बहुत अच्छा एक मोमेंटम दे सकता है यहाँ से। फिलहाल यहाँ जो रिवर्सल देखने को मिल रहा है वो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि कंसिस्टेंटली इस ट्रेंड लाइन पे 3 बार एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, तो यहाँ सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, इसी वजह से ये आपको सेलिंग प्रेशर नोटिस हो रहा है यहाँ पे। ये जोन में जैसे ही स्टॉक जाएगा यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाता है। और फिलहाल के लिए स्टॉक में आप देखोगे तो ज़्यादातर समय स्टॉक का इस रेंज में ही बीत रहा है क्योंकि यहाँ बायर्स एक्टिव हैं कहीं ना कहीं। तो जब तक यहाँ ये मोमेंटम है तब तक आप एक बार और फिर से सोच सकते हो एक दो बार कि स्टॉक रिवर्सल दिखा के इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा, और अगर वो फेल हो जाता है कहीं ना कहीं तो फिर आप देखोगे धीरे धीरे करके स्टॉक यहाँ कहीं आ सकता है क्योंकि रेंज बाउंड स्टॉक है। आप नोटिस कर रहे होगे एक रेंज में चल रहा है और रेंजेस इसकी कैसी बनती हैं, राउंडिंग बॉटम ज़्यादा बना रहा है ये स्टॉक, राउंडिंग बॉटम या इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम ऐसे ही बन रहे हैं इसमें। आप यहाँ नोटिस करोगे अगर तो याद देखो ये पहले ऑलरेडी ऐसे बना चुका है, ये भी ऐसे ही था गया था, तो इसके मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे ही मोमेंटम चल रहे हैं। पहले भी मैंने ये चार्ट में डिस्कस किया था कि ऐसे ही स्टॉक चल रहा है और ऐसे ही आपको पकड़ पाओगे क्योंकि ये राउंडिंग बॉटम ज़्यादा बनाता है। अब आप यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा सा प्रॉफिट आया फिर नीचे आया तो लोगों के स्टॉप लॉस हिट हो गए, फिर थोड़ा प्रॉफिट आया फिर नीचे आया तो उतना ही आ गया तो स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो ये ऐसे चल रहा है। बट ये अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से देखोगे तो ये फिर यहाँ से ऐसे आपको टारगेट निकाल के देता है, तो ये उस लेवल का स्टॉक है। अगर आप इसमें छोटे छोटे मोमेंटम कैप्चर करोगे तो स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। तो एक दो दिन स्टॉक ऊपर रहता है और 3 दिन नीचे रहता है, फिर 2 दिन ऊपर जाएगा 3 दिन नीचे, ऐसे ही चलेगा। तो अगर यहाँ ये ब्रेकआउट मिल जाता है तब तो ठीक है, अच्छा निकलेगा ऊपर स्टॉक, नहीं मिलता है तो आप देखोगे धीरे धीरे करके ऐसे करके फिर ऐसे हायर हाइज फिर हायर लो लोअर लोज लगते जाएंगे स्टॉक में और फिर इधर तक आएगा, यहाँ से फिर अपनी ये ऐसी दिशा फिर से पकड़ेगा, फिर कुछ ऐसा स्टॉक निकलेगा और फिर एक राउंडिंग बॉटम फिर से तैयार होने वाला है। उसी राउंडिंग बॉटम के साथ फिर आपको अपनी जो एक्यूमुलेशन पीरियड होगा जो आपका के स्टॉक को बाय करना है वो यहाँ कहीं निकल के आएगा 31 के आसपास, तो आपको वहाँ एक्यूमुलेट करेंगे क्योंकि इस लाइन के जितने करीब रहेंगे उतना बेहतर रहेगा, यहाँ से रिटर्न्स भी अच्छे निकलेंगे आपके, अभी जो रिटर्न्स कम बनेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 बार स्टॉक एक हर्डल फेस कर चुका है। तो यहाँ से जब आप बाय करोगे 31 के आसपास है तो 28 से 30% की रिटर्न्स आपकी ईजिली निकल सकते हैं। तो होपफुली मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं MMTC में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।